आपको ये बताने जा रहा हूँ, वो आपने आपको बता दिया अहिंसा सत्य आस्था ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये हो गया यहाँ यमा बता दिया, स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याय ईश्वर परिग्रह, ये सारे गुण हैं दस। अब इसको दिमाग में कैसे रखोगे, एक बकेट है उसमें पूरा कचरा भरा है और उसमें बोलेंगे एक बकेट पानी लाओ तो क्या करोगे, फेंकना पड़ेगा उस कचरा निकाल, फेंक देना पड़ेगा। इसीलिए दिमाग में भी कचरा बहुत भरा रहता है ना, लोग गंदे विचार, वो सबको निकालना पड़ेगा। उसे बोलते प्रत्याहारा, क्या बोलते प्रत्याहारा, प्रत्याहारा खाली करो दिमाग, ऐसा दिमाग लगाओ खाली करो। खाली कैसे करोगे, ओम पर ध्यान रखो, जैसे देखो मैं ओम करने लगोगे तो सब निकल जाए, कुछ नहीं रहेगा दिमाग। जब ओम करके निकाल दी तो धारण करना पड़ेगा, क्या धारण करोगे, अहिंसा। क्या धारण करोगे बेटा, अहिंसा। अहिंसा करोगे कि जैसे तुम लड़की हो, शादी नहीं हुई है और शादी हो जाएगी हस्बैंड आएगा उसको गाली बोलेगा, मारो वो तुमको मारे, लड़ जाएगा। जिंदगी जीना है तो प्यार करो, योग करो, हिंसा मत करो, गाली गलौज मार काट उठा फूटा मत करो, इज्जत करो सम्मान। वो धारण करो कि मैं हिंसा करूँगा, मन वचन कर्म से कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, वो धारण हुआ, क्या हुआ, धारणा समझते हो ना भाई, धारण करना। गदाधारी कौन है, गदाधारी हनुमान, हनुमान। उसी तरह तुम धारण करो, क्या धारण करोगे, अहिंसा, और फिर ध्यान लगाओ उस पर। समझ गया अंकिता? यस सर। पहला क्या है, प्रत्याहारा, जो दिमाग में बहुत सारे बेकार की चीजें हैं उसको निकाल दो। यस सर। अब उसको धारण करो, क्या धारण करोगे, अहिंसा। अहिंसा क्या होता है, तुमको पता चलेगा अहिंसा क्या है, कि मन पसंद कर्म से किसी को गाली गलौज करो, लूटा पोटा बोलो, या किसी को मारपीट करो, तो क्या तुमको पता चलेगा, तो कोई दूसरा भी नहीं मारेगा तुमको, यही गाली नहीं देगा, तो किसी को गाली नहीं दोगे तो कोई गाली देगा क्या आपको, तो धारण करके ध्यान लगाओ तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, अलवाटो स्थली मंची प्रैक्टिस चेस्ता वाले तो मोतम अलवाटो स्थली तो चेंज हो उसके लिए। तो ध्यान इज मेडिटेशन, ध्यान को क्या बोलते हैं, जैसे अहिंसा पर आप सोच लगा रहे हो तो सोच रहे हो अहिंसा, फिर गुस्सा आएगा तो नहीं आएगा, गुस्सा है हिंसा है, उसका क्या है, गाली देना हिंसा है, भड़क जाएगा ना, अरे आपको गाली देगा तो खुश रहोगे क्या, क्या तो डर के मारे चुप हो जाओगे, लेकिन आत्मा तो जलेगी, भाई गरीब आदमी है, हेल्पर हेल्पलेस है तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन गुस्सा तो उसको भी आएगा ना, तो आग लगाओगे तो तुमको भी आग लगेगा ना, तो वो कभी करना ही नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत आदमी औरत मर्द होता है ना, फालतू बोलता है, पता ही नहीं क्या कर रहा है क्या बोल रहा है। औरत तो जवान बहुत चला देती है, फिर मर्द लात जूता मारना शुरू कर देता है, अरे बेशर्मो, इज्जत करो अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने समाज को, ये समझे, लड़ाई करोगे तो लड़ाई हो जाएगा। अब देखो ये जम्मू कश्मीर से आए हैं, वहाँ के लोग सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ले जाएंगे या अलग कर देंगे, अरे जम्मू कश्मीर वाले जो टेररिस्ट हैं भाई, तुम क्या सोचते हो, तुम जानो, मैं नहीं जानता तुम क्या सोचते हो, लेकिन वहाँ कितना अलगाववादी था, कितने खून गिराए भाई, कितने लोग की हत्याएं की, सारे हिंदुओं को मार दिया, काट दिया, बर्बाद कर दिया, वो सोच उसका गलत था, क्या था, वो हिंसा कर रहा था, क्या कर रहा है, हिंसा, और हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाता है, समझ लो क्या, हमारे देश के महान नेता नरेंद्र मोदी जी हजारों हजारों लाखों सेना भेज दी, चल साले ठोक दूंगा, ठोक दे साले को, ठोक रहा, अरे भैया लात के भूत बात से नहीं मानते, लेकिन लात के भूत क्यों बढ़ोगे भाई, हमारी तरह संत बनो, हमारी तरह पंडित, हमारी तरह योगी बनो, इसी में सबका खुशहाली, क्या है भाई, प्यार में ही जिंदगी है ना, प्रेमा जीवन बुंदी, प्रेमा चेस्ता हुआ तो प्रेम औस्तन दी, फाटी चेस्ता हुआ कोपम चेस्ता तो कोपम औस्तन दी, समझ गया मैं पंडित क्या हूँ, पोथी परिपरी जगमुआ पंडित भैया, बोलो अंकिता बोलो, बहुत फास्ट बोलती है, पोथी परिपरी जगमुआ, पोथी परिपरी जगमुआ पंडित भैया ने कोई, पंडित भैया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई अक्षर प्रेम का, बड़े सो पंडित, बड़ी सो पंडित, इसलिए मैं पंडित हूँ, तुम जाति पाति का नाम मत लेना, मेरी जाति है मनुष्य, समझ रहे हो, मेरी जाति क्या है मनुष्य, मेरा धर्म क्या है मानव, अंकिता मेरा जाति क्या है मनुष्य, मैं कुत्ता दिख रहा हूँ मनुष्य दिख रहा हूँ ना, और मेरा धर्म क्या है मानवता, मानवता, मानवता क्या है प्रेम, प्रेम,
विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी मरो परंतु जो मरो की याद जो करे सभी यू नो स्मृत को था मरे बिछा दिए बड़ा वही वही जो जिया ना आपके यही पशु प्रवृत्ति है कि आप आगे चले वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे मनुष्यता मेरी जिंदगी है मनुष्य में जाति का मेरा न कोई जाति है न कोई धर्म है न कोई मजहब है न कोई देश है पूरी दुनिया में वसुदेव कुटुंब बोल अंकिता बोल वसुदेव कुटुंबकम वसुदेव कुटुंबकम वासुदेव कुटुंबकम पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे भवतु सुखिनः सबका कल्याण हो सदा खुशहाल रहे उसमें आदमी नहीं जीव जंतु पशु पक्षी तुमने देखा किसी ने कुत्ते को मैं बिस्किट खिला रहा था वो हमारी तरह जीव है आत्मसर होते सु बोलिए आत्मवत सर होते सु जैसे तुमको अच्छा बुरा लगता है जानवर को भी लगता है लेकिन वो कमजोर है क्या वो कमजोर काट के मार के खा जाते हैं घटिया क्या जानवर बड़ा बड़ा होता है वो घास खा के जीता है मनुष्य नहीं जी सकता क्या जी सकता लेकिन वो स्वार्थी जानवरों को मार के खाता है और जितने कसाई गंदे लोग होते साले उतने ज्यादा हाँ गाय को भी मार देते हैं बैल को भी मार देते हाथी को भी मार देते हैं ऊंट को भी मार देते हैं बकरी को मार देते बकरी को क्या करते उल्टा पाल के ले जाते टांग सर नीचे देखता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ भाग जाता हूँ देख नहीं सकते क्योंकि मैं हूँ योगी क्या योगी जुड़ा हुआ हूँ सबसे मेरे ही है मैं तुम हूँ तुम मैं हूँ योगी यही सोचता है जो तुम हो मैं हूँ केवल सेप अलग अलग है शरीरम की वेरे वेरे होंगी बट आत्मा उकटे हुए सब एक ही है उसका दुख मेरा हो जा रहा है इसीलिए मेरा पंडित हूँ इसीलिए तो मैं योगी हूँ समझ रहे हो क्या yes, sir. मेरा नाम क्या है भूल गए डैडी भूल गए रे पंडित है अंकिता बोल बेटा मेरा नाम क्या है पंडित फकीर फकीर योगी योगी वीरेंद्र योगी मतलब समझ में आ गया मैं इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों रखा मेरा नाम भूल क्यों जाती है बोल बोल सकती बैठ अरे ताल मारने की बढ़िया सही थी पंडित पंडित का मतलब जो सबसे प्यार करे बैठ खड़ा हो जाए बच्चा बैठो पंडित का मतलब जो सबसे प्यार करे बोलो बाबा हाँ जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य भेदभाव नहीं करे सबको अपनी आत्मा की तरह प्यार फकीर का मतलब बोल बेटा जो बुद्ध भगवान जैसा ज्ञानी हो जो विवेकानंद का रूप उसको पता हो सही क्या गलत क्या सत्य के रास्ते पर चलने वाला वो होता है फकीर फकीर का मतलब जो ज्ञानी जिसको सब साफ साफ दिखता है साफ साफ दिखता है कि सब हमारी तरह है सबका सम्मान योगी का मतलब क्या होता है जो ध्यान लगा सच्चाई की खोज में आगे निकले योग का मतलब जुड़ जाना सबसे जुड़े सबको प्यार करे सबके साथ रहे सबके जिंदगी में खुशी रहे ओके फकीर योगी वीरेंद्र योगी जिसका नाम बॉन्ड जेम्स बॉन्ड सुना है वही हूँ मैं जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड पंडित योगी वीरेंद्र योगी योगी वीरेंद्र योगी बोन बोन जेम्स बॉन्ड योगी योगी वीरेंद्र योगी कह रहे दोस्तों आप वही हो जो आप सोचते हो अगर आप सोचोगे मैं कुत्ता हूँ तो कुत्ते हो जाओ सोचोगे शेर हो तो शेर हो जाओगे भगत सिंह सोचे मैं सबसे बड़े देशभक्त हूँ तो शहीद हो गए लेकिन सबसे पूज्य हो गए सुभाष को सोचे कि हम देश को आज़ाद कर देंगे तो सबसे महान हो तो आप भी बन सकते हो आप में पूरी ताकत है इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा हीरो से जोड़ता हूँ किसे जोड़ता हूँ हीरो से जीरो तो मेरे लिए है ही नहीं जीरो पर तो खड़ा हूँ आकाश ऊँचाइयों से ऊँचाई जाना चाहता हूँ और तुमको भी लेके उड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बेटे बेटे हो हम अकेले उड़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा हमारा परिवार पूरी दुनिया है सबके साथ होना है प्यार की नगरी में हवा में होना है ये है पंडित
खुश हो रहा ना? मैं खुशी की दरिया बहा देता हूँ क्योंकि सबका सेवा तुम्हारे आशीर्वाद से बोल रहा हूँ, मुझमें दम नहीं है, दम आपके आशीर्वाद और प्रेम से आ रहा है। हर व्यक्ति में देवता छुपा हुआ है, हर व्यक्ति देवता है, जब उसे जुड़ता हूँ तो सारे देवत मुझ में आते हैं, इसलिए मैं हीरो हो जाता हूँ। अगर मैं आप लोगों से जुड़ूंगा लेकिन जीरो हो जाए, जुड़ना सीखो, उसी को बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं? योग का मतलब जुड़ना, योग का मतलब प्यार, योग का मतलब क्या होता है? प्यार। योग का मतलब क्या होता है? प्यार। योग का मतलब है जुड़ना, तो प्यार से ही जुड़ते हैं ना। यस, प्यार है तो जुड़ोगे, नफरत है तो लड़ाई झगड़ा करोगे। थैंक यू, कट मारो।